हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त और आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। आई होप आप जानते होंगे सीएससी का जिस प्रकार से आप लोगों ने इतना ज़्यादा क्रेज बनाया हुआ है। तो यार ये शुरुआत होती है सन 2010 के बाद में, 2010 के आसपास इंडिया के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलन चला। सन 2017 तक आते आते मेजोरिटी ऑफ द लोगों के पास मोबाइल फोन पहुंच गया इंडिया के अंदर, जब से जियो लॉन्च हुआ। जियो लॉन्च होने के जस्ट एक साल बाद में इंडिया में 17% लोगों के पास मोबाइल फोन आ गया। और सन 2022 की अगर मैं बात करूं तो आज जो है इंडिया में 95% लोगों के पास मोबाइल फोन इंटरनेट कनेक्टिविटी है। 5% लोग ऐसे भी है जिनके पास ये डिजिटल सेवाएं नहीं है, चाहे वो तो या जस्ट लाइक अदर जगह पर रह रहे हो जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब है, पोर है, उनके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ 5% है। 95% लोगों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब क्या हुआ भाई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हुआ यार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज हर बच्चे की चॉइस बन चुकी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आई कंसल्टेड मेनी मेनी स्टूडेंट्स एंड इन द लास्ट फ्यू डेज एंड लास्ट फ्यू ईयर्स आई स्टार्टेड काउंसलिंग फ्रॉम द 2019 से हम काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। 2021 तक बच्चों का ये था कि भैया हमको मैकेनिकल भी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन 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 इस बार 2022 तक हर बच्चे की चॉइस बन सकी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। हमारे पास ऐसे पता नहीं कितने बच्चे आ गए जिनके 12th के अंदर परसेंटाइल आ रही है 40%, जेई मेन में परसेंटाइल आ रही है 10%, 12%, 13%। आई डोंट डोमिक्राइज दिस कि आपके परसेंटाइल कम है, इसका मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। आपके 12th में 40% है, ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक आंकड़ों के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके परसेंटाइल है 12th में 40%, 50%, 60% आप मान के चलो। वो मेरे को आके बोलते हैं कि भैया हमको सीएस चाहिए, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। मैंने कहा ये क्यों आपको सीएस चाहिए? तो जस्ट लाइक आई टॉकिंग अबाउट कि आपको सीएस वगैरह बारे में पता है, सो ही टोल्ड मी कि मेरा पैशन है सीएस, ठीक है। एंड आई टोल्ड अबाउट दैट कि भैया सीएस के अंदर प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, सीएस में प्लेसमेंट बहुत कम हो गया अभी। तो सभी को पता है यार सीएस में प्लेसमेंट है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो जस्ट आप इस बात से बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि सीएस में प्लेसमेंट है तो अदर में प्लेसमेंट नहीं है, मैकेनिकल में प्लेसमेंट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जस्ट लाइक यू नो अबाउट द वॉज द हेड ऑफ द सीईओ गूगल, गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचई जी। सुंदर पिचई जी कंप्लीटेड द मेटलर्जी बीटेक फ्रॉम द आईआईटी खड़गपुर, एंड आफ्टर द कंप्लीट द बीटेक ही इज कंप्लीटेड एमबीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनियन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड आफ्टर ही गेट द जॉब इन द गूगल। अब यार ऐसा देखो, सिंपल नॉर्मली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। प्लेसमेंट जैसे आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रहे हो अभी 100% प्लेसमेंट है, एग्रीकल्चर 100% है, माइनिंग 100% है, मेटलर्जी 100% प्लेसमेंट है, लेकिन 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 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 65% प्लेसमेंट, 60% प्लेसमेंट। वाई? कॉलेजों ने आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं कॉलेज वाले, इनका बिल्कुल ध्यान रखें। कॉलेज वालों ने क्या किया, कॉलेज वालों के पास यार सीटें थी 650 जनरली सीटें रहती है स्पेशली प्राइवेट वालों में, और जो नॉर्मल कॉलेज होती है वहां पे 60 सीटें होती है। लेकिन प्राइवेट वालों को पता है कि सीएस का क्रेज है, हर बच्चे को सीएस चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, सीएस विद एआई, सीएस विद जस्ट लाइक डीआई, सीएस विद एल्गो, सीएस विद डॉट डॉट, सीएस विद एचडीएमआई, सीएस विद फलाना फलाना, और इस प्रकार से प्राइवेट वालों ने 250 से सीटें बढ़ा के 750 तक कर दी है। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वालों को आपको पास कॉल आ रहा होगा कि डायरेक्ट सीएस में एडमिशन ले लो, और सीएस का आप लोग जनरली प्लेसमेंट पूछते भी नहीं है प्राइवेट में कि भैया प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अमन भैया ने हमको बताया डायरेक्ट आप जा सकते हो ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, प्रिपरेशन करा रही है श्रीया दीदी जी आपको ऑफ कैंपस की, तो आप जस्ट डायरेक्ट एडमिशन ले लो सीएस के अंदर। भाई मैकेनिकल में भी तो करना है हमको कुछ, सारे लोग रिलेशन में चले जाओगे, मैकेनिकल वाले सिंगल बंदे क्या करेंगे फिर,
ठीक है, तो जस्ट मैकेनिकल में भी काफी सारी जॉब्स हैं। आप इस बात से थोड़ा हटे कि यार सीएस में ही कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर मैं कुछ आपको जॉब जस्ट लाइक ब्रांचेस बताऊं जो कि ठीक चल रही है। कुछ ब्रांचेज ऐसी है जो कि न्यू है, फ्यूचर में जिनका काफी ज्यादा स्कोप है, ठीक है। नेटवर्किंग वाली जो भी सीएस है काफी काफी स्कोप है। सीएस जो है ऑलमोस्ट बहुत सालों तक चलेगा, ठीक है। सीएस के बिना आई थिंक कुछ पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो जस्ट लाइक आई डोंट विजिट जस्ट लाइक इन विलेजेस बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट वगैरह मिलता नहीं है, राइट। एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, एविएशन काफी अच्छा स्कोप है फ्यूचर के अंदर, आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो। नैनो साइंस जितनी भी होती है स्पेशली साइंस में आ जाता है, नैनो साइंस को यार आप जो है कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है इंडिया का, बहुत ज्यादा स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। स्पेशली L&T कंपनी का आपने नाम सुना होगा, और आपके शहर के अंदर हर जगह देख सकते हो आने वाले कुछ 3 साल के अंदर, पिछले कुछ 3 साल में कैसा हमारा शहर दिखता था, अभी कैसा दिख रहा है। गवर्नमेंट के कितने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में ठीक ठाक स्कोप है। मशीनों के बिना तो हमारा कुछ चल ही नहीं रहा है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी काफी स्कोप है। एरोस्पेस, एविएशन इंडस्ट्री ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज जस्ट अगर आप कुछ स्पेशली देशों की देखो तो कुछ दिनों में आपने कुछ देखा होगा, स्पेशली अफगानिस्तान हो गया एंड अदर जो कंट्रीज थी वहां पे भूखमरी आ गई थी, बिकॉज उनके पास जो भी प्रॉपर जो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर के कुछ थे नहीं, उनकी वजह से उनकी जो फसलें हैं वो बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। फूड प्रोसेसिंग हो गया यार, काफी अच्छा स्कोप है उसका, ठीक है। मेटलर्जी हो गया, ठीक है, जितने भी पेट्रोलियम वगैरह का काफी कम स्कोप है अभी, बिकॉज क्योंकि लोग जो है एथेनॉल वगैरह इस पर शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों की जो है आफ्टर द सीएस डिमांड रहती है। आईटी का आप सभी को पता होगा, ईआई वगैरह ये सारे सीएस में ही कंसिडर किए जाते हैं। और भी आपको यार कौन सी इंजीनियरिंग अच्छी लगती है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप किस इंजीनियरिंग पे बात करना चाहते हैं, लाइक ए स्कोप एंड व्हाट इज जस्ट लाइक गुड एंड बैड। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियोज, एंड मेरा इसमें किसी को हेट करना नहीं है कुछ कि आपके परसेंटाइल नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपके 50% भी है तो भी आप अच्छा कुछ कर सकते हो, अगर आपका जुनून है, आपके अंदर जोश है, तो भी आप कुछ बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो जस्ट अपने जुनून को ऐसे बरकरार रखिए और जस्ट खूब पढ़ते रहिए, परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने घर वालों का साथ रखिए और खूब जचा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये मुकम्मल भी टूटेगा, ठीक है। अवन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तभी ऐसे उछालो यारो, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी बेस्ट ब्रांच कौन सी है, और प्राइवेट वालों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, ठीक है, कि जस्ट यहाँ पे सीएस ले लो, बिकॉज उसकी जगह आप किसी अच्छे कॉलेज में अगर मेटलर्जी भी ले लो, एग्रीकल्चर भी ले लो, तो हो सकता है प्लेसमेंट हो जाए। प्लेसमेंट की यार सीनेरियो ऐसा है, सीएस के अंदर काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है, लेकिन जो है मेरे पास मेरी फर्म के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सीएस से ही बीटेक किया उन्होंने, और जो है 15,000 रुपये के अंदर डेटा एंट्री कर रहे हैं वो लोग। मेरे वीडियो जो हमारा जो भी एनिमेशन वीडियो बनाते हैं 18,000 रुपए के अंदर वीडियो एडिटिंग करके एनिमेशन वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारी कपड़े की मिल के अंदर काम कर रहे हैं 22,000 रुपए के अंदर, उन्होंने भी सीएस की बीटेक किया है किसी प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हो, ठीक है। तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिए कि सीएस के अंदर ही भर के मतलब उड़ के चले जा रहे हैं भैया सीएस, इसका थोड़ा ध्यान रखो। सीएस में काफी स्कोप है, बहुत ही ज्यादा स्कोप है, लेकिन हाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीएस में बस घुस गए तो जो भी जॉब है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आप खुद को डेवलप कर सकते हो देन, वैसा बिल्कुल नहीं है यार सारे लोग स्किल डेवलप कर लेंगे, को मेरे जैसे कुछ लोग, ठीक है, मुजरा भी करेंगे इंस्टा पे, ठीक है। तो ध्यान रखें।